बच्चों जरा सा आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संग्रह 12 का 10वां प्रश्न अधूरा रह गया था पिछले वीडियो क्लिप में। वहां पे 777, 315, 588 इसका हम लोग ने गुणनखंड ज्ञात किया। सामान्य गुणनखंड जो हमने निकाला, समझा कि नहीं, वह सामान्य गुणनखंड ये निकाल लिया। 3 से 7, 7, 7 तो 3 × 2 = 6, 7 में से 6 गए 1, 17, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 बचा 3 × 9 = 27, 7 × 3 = 21, 4 बचा 7 × 7 = 49, 37 × 1 = 37, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 7 × 3 = 7, 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया 2, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 7 × 3 = 7, 7 × 3 = 7। अब यहाँ पर 3, 7 और 37 ये गुणनखंड के रूप में आ गया। 3, 3, 5, 7 गुणनखंड के रूप में आ गया। 3, 2, 2, 7, 7 गुणनखंड के रूप में आ गया। 3 और 7 इनका आपको सामान्य गुणनखंड मिलेगा, ठीक है। तो 3 × 7 = 21 आपका प्रश्न 10वां का मसावी क्या आ गया, 21। जैसे सब सवाल हमने किया वैसे ही प्रश्न दूसरे में है बच्चों, भाग विधि से मसावी ज्ञात करना। भाग विधि से मसावी ज्ञात करो, ठीक है। मसावी ज्ञात करना है, ज्ञात करना, मसावी ज्ञात करके फिर प्रश्नों को क्या देना है, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप मैं समझाऊंगा बच्चों कैसे ये करते हैं। पहला सवाल आपका है, आप लोग देख रहे हैं, पहला सवाल है 275/525। तो पहले हम लोग 275 का मसावी निकालेंगे। 7, 5, 12, 13, 14, 5 से भाग जाएगा, 5 × 5 = 25, 27 में से 25 गया 2, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 11 × 1 = 11। तो ये हमने 275 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। फिर अब हम लोग निकालेंगे 525 का अभाज्य गुणनखंड। 5, 2, 7, 5, 12 तो 3 से जाएगा, जो योगफल करेंगे 5, 2, 7, 5, 12, 12 का योगफल 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 12 यह योगफल 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया 2, 22, 3 × 7 = 21, 1 बचा, 3 × 5 = 15, 7, 5, 12, 1, 13, ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये 5 से इकाई में 5 है, तो 5 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, ठीक है। और 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, ठीक है। ठीक, अब इसको लिखेंगे, 275 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5 × 11, ठीक है। उसके बाद 525 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 5 × 5 × 7, और इसलिए मसावी हो जाएगी 2, 5, 2, 5 सामान्य है, समझ में आ गया। तो मसावी आपकी हो जाएगी 5 × 5 = 25, ठीक है। अब हम 25 से इन दोनों में भाग देके इसको संक्षिप्त करेंगे, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 से 275 में भाग दीजिए, 25 × 1 = 25, 7 में से 5 गया 2, 25 × 1 = 25। अब 25 से 525 में भाग दीजिए, 25 × 2 = 50, 25 × 1 = 25। ये तो मैंने करके दिखाया है, आप यह भाग मौखिक करेंगे, ठीक है। तो 25 से इसलिए 275/525, 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25, 525 काटेंगे तो 25 × 2 = 50, और 25 × 5 = 25, 25 × 1 = 25, 1 मिनट, यहां आएगा 21, देखिए भागफल 21 ऊपर 11, तो आपका उत्तर आ गया 11/21। यह हो गया इस भिन्न का संक्षिप्त रूप।
ये हो गया, ठीक है। तो ये भाग जो मैंने अब आपको करके दिखाया है, इसको हम लोग मौखिक करेंगे भाग को, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा आप लोगों को दिख रहा है 76/133, कितना है 76/133। ठीक है, अब 76 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 से भाग जाएगा, यहां सम संख्या है, 2 3 6, 1 आया 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 19 1 कम 19। पहले हम इन दोनों का मसावी निकाल लेंगे, 76 और 133 का। 133 3 3 6 1 7, ठीक है। तो 133 किससे कटेगा उसको हम लोग ध्यान से सोचो, 133 किससे कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 1 कम 7, 7 9 63, 19 1 कम 19, इसलिए 76 = 2 × 2 × 19, 133 = 7 × 19, इसलिए मसावी क्या हो जाएगा, मसावी बराबर जो दोनों में हो सामान्य हो, तो सिर्फ क्या आ रहा है मसावी के नाम पे 19 मसावी हो जाएगी। अब हम 76/133, 19 चौक 76, 19 सत्ते 133, 4/7, यह उसका इस भिन्न का संक्षिप्त रूप हो गया, ठीक है। 76/133 का संक्षिप्त रूप हो गया 4/7। इसके पहले के सारे प्रश्नों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया है, जो कि आप लोगों को मैं भेजाऊंगा। तीसरा बच्चों 161/69 दिख रहा है आप लोगों को, 161/69। तीसरा 161/69, 161 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, 6 1 7 1 8, 161, ठीक है। तो किससे जाएगा ये, 7 2 14 बराबर, 7 2 14, 2 बचा 21, 7 3 21, 23, 23 से भाग देंगे, 23 1 कम 23, 69 है, 3 से भाग जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 23 मुझे लगता है, इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, 161 का गुणनखंड हो जाएगा 7 × 23, 69 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 23, इसलिए मसावी हो जाएगा, मसावी बराबर हो जाएगा कितना 23, यह सामान्य है 23। अब हम इसको संक्षिप्त रूप देखेंगे, संक्षिप्त रूप किसका, संक्षिप्त रूप इस भिन्न का 161/69 का, 23 से भाग देंगे तो 161 में 23 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 23 7 169, और 69 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो उत्तर आपका आ जाएगा कितना 7/3। इस तरह हम लोग पहले मसावी निकालेंगे और फिर संक्षिप्त रूप देंगे, मसावी निकालेंगे फिर संक्षिप्त रूप देंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, एकदम ध्यान से, हम लोगों ने प्रश्न दूसरा किया भाग विधि से मसावी ज्ञात करना और भिन्न को संक्षिप्त रूप देना, हमको दो काम करना था, एक मसावी निकालना था, एक संक्षिप्त रूप देना था। तो पहले हम लोगों ने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर हम लोगों ने मसावी निकाला, फिर दोनों में भाग देकर मैंने यहां दिखाया, बाकी मैंने मौखिक किया, तो उसके बाद हमारा ये संक्षिप्त रूप आया, कितना आया 11/21, कितना आया ये 11/21। बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे, हमने इसको हल किया, हल किया तो कितना आया 11/21, ठीक है। संक्षिप्त रूप इसी को कहते हैं, एक पहले मसावी निकाल लेंगे
मसावी के बाद अंश और हर में उसको भाग देंगे, भाग देने पर जो उत्तर आएगा वही आपका संक्षिप्त रूप होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पन्ना पलटा, यहाँ आया, देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से, 76/133 दोनों का गुणनखंड निकाला, फिर उसका मसावी निकाला, मसावी के बाद उसका संक्षिप्त रूप इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संग्रह, प्रश्न संग्रह 12 के सारे प्रश्न, एक्सरसाइज 12 आप लोग देख रहे हैं, एक्सरसाइज 12, ठीक है। पहले मसावी निकालना सीखे हम लोगों ने, ठीक। टोटल 10 प्रश्न हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं फिर से आप लोगों को टाइम ले लेके देता हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं। पहले है प्रश्न संग्रह 12, इसको देखते रहिए आप लोग। 12 का पहला और दूसरा मैंने किया है, पहला और दूसरा ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। पहला और दूसरा आप लोग एकदम ध्यान से उसको देखिए, पहला और दूसरा एकदम ध्यान से। पहला और दूसरा होने के बाद आप लोग पहले इसको देखिए एकदम ध्यान से, तीसरा और चौथा आप लोग इसको ध्यान से देखिए, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा प्रश्न हल किया हुआ, मसावी ज्ञात किया हुआ, तीसरे चौथे के बाद आप लोग देखिए, मैं कैमरे में ला रहा हूं, एक मिनट, एक सेकेंड बच्चों, मैं कैमरे में ला रहा हूं। तीसरे चौथे के बाद आप लोग देखिए पांचवा और छठा, दिख रहा है सबको, पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, पांचवा छठा के बाद पांचवा छठा, ये दिख रहा है आपको पांचवा और छठा, पांचवे छठे के बाद इधर है सातवां और आठवां, थोड़ा कैमरे में प्रश्न थोड़ा सातवें का कट रहा है कैमरे में, लेकिन वो प्रश्न है आपका, सातवां प्रश्न किताब में भी है, मैंने इसमें लिखा भी है। यदि मैं प्रश्न को दिखाता हूँ तो आपका आठवें का उत्तर कट जा रहा है। प्रश्न आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ, एक बार एक नज़र सरसरी मार लीजिए, जब आप लोग इसको देख लेंगे तब प्रश्न को, अब मैं प्रश्न को थोड़ा ढकने जा रहा हूँ, तो नीचे आठवें का उत्तर जो है वो आपको मसावी तक दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को मसावी, सातवां आठवां हो गया, सातवें आठवें के बाद बच्चों नौवां और दसवां, नौवें का प्रश्न,
नौवां पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर दसवें के लिए मैं नीचे से ऊपर करूंगा। नौवां देख लीजिए, नौवां आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, नौवां हो गया। और ये अंतिम सवाल दसवां, दसवें पे आप नजर रखिए। दसवां आपका हो गया। अब है प्रश्न दूसरा, दूसरा है आपका भाग विधि और मसावी द्वारा संक्षिप्त करना। तो एक ही सवाल है, आप लोग देख रहे हैं, पहला सवाल मैंने किया है, इसको ध्यान से देखिए। पहला सवाल मैंने पहले गुणनखंड निकाला, फिर मसावी निकाली, मसावी निकालने के बाद मैंने उसको संक्षिप्त किया, मसावी निकालने के बाद मैंने उसको संक्षिप्त किया। संक्षिप्त में उत्तर आपका आया 11/21, वो आप लोग देख रहे हैं। यह है प्रश्न दूसरे का पहला सवाल, मसावी आई थी 25 और संक्षिप्त रूप आया 11/21। ठीक है, 11/21। बच्चों पहला हो गया और दूसरा तीसरा एक साथ है, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूं, दूसरा और तीसरा। तो पहले दूसरे पे आप निगाह बना लीजिए, क्योंकि दूसरा तीसरा पूरा कैमरे में नहीं आ रहा है। तो दूसरा पहले आप लोग देख लीजिए, गुणनखंड निकालना, गुणनखंड के बाद मसावी निकालना, मसावी 19 आई और संक्षिप्त रूप करके उसको हल करके यहां लिखना। तो यह आया आपका 4/7। ठीक है, यह आपका आया 4/7। फिर उसके बाद इसको आप लोग अच्छी तरह उतार लेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये अंतिम सवाल, प्रश्न दूसरे का तीसरा, गुणनखंड निकाला गया, मसावी निकाला, फिर संक्षिप्त रूप, ये इसका अंतिम सवाल तीसरा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का प्रसंग्रह 12 समाप्त हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग प्रसंग्रह 13 करेंगे। ठीक है, तो प्रसंग्रह 12 समाप्त, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग प्रसंग्रह 13 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय।